वेलकम दोस्तों, इंडोस्कोप कैमरा की सीरीज में आज हम बात करेंगे ईएनटी इंडोस्कोप कैमरा के बारे में। ईएनटी इंडोस्कोप कैमरा क्या है? ईएनटी ईयर नोज और टीथ। तो ये कैमरा ईयर नोज टीथ की इंस्पेक्शन में काम आता है। ये है ईएनटी इंडोस्कोप कैमरा। तो इंडोस्कोप कैमरा के बारे में जैसे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि बेसिक फंक्शनिंग सारी वैसी ही होती है, कनेक्टिविटी और बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। इसमें क्या फंक्शन डिफरेंट है, ये कैसे डिफरेंट है कि इसका जो फोकस पॉइंट है वो नजदीक का रहता है, ज्यादा नजदीक की चीजें ये दिखाता है। क्योंकि कान में जैसा बेसिक इंडोस्कोप कैमरा है वो 4-10 सेंटीमीटर के बीच का डिस्टेंस में फोकस लेता है, ये 2 सेंटीमीटर तक की नजदीक की भी चीज या उससे भी नजदीक की चीज दिखा सकता है। क्योंकि कान में इतना लंबा जगह नहीं रहता है कि 4-10 सेंटीमीटर तक का, तो कान में झांक के देखने के लिए ईएनटी इंडोस्कोप डिजाइन किया गया। तो ये ऐसे आता है, ये सी टाइप इसमें अडेप्टर साथ में आता है और नॉर्मल सैमसंग पिन है वो भी साथ में आता है। और इसको ऐसे बंद कर देंगे तो ये यूएसबी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यूएसबी में कन्वर्ट करके आप इसे पीसी में यूज कर सकते हैं। अगर आपको सी टाइप चाहिए तो सी टाइप के लिए आप इसे ऐसे कनेक्ट करके चला सकते हैं। सामने ये कैमरे के एक कैद रहती है ये कैमरा लेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, और साथ में ये अटैचमेंट्स होती हैं। अटैचमेंट्स में मैं दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या आता है। इसमें ये 2 क्लिप्स आते हैं, ये ईयर क्लीनिंग में यूज होते हैं और ये कैमरा को क्लीन करने के लिए। और ये यूजर मैनुअल है। यूजर मैनुअल में सेम वही चीज की आपको बारकोड दिए रहेंगे, बारकोड को स्कैन करके आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपके फोन में ये कैमरा चलेगा। अगर एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद भी, सबसे पहले आपको राइट एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जो कि SSKN Sons आपको प्रॉपरली गाइड करेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक देंगे, आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स देंगे ताकि आप डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट करके और आप परचेज भी कर सकते हैं। और आपको कोई भी गैजेट यूज करने में, कोई भी चीज यूज करने में आपको दिक्कत आ रही है तो हमारी टीम, टेक्निकल टीम आपको पूरी हेल्प करेगी, प्रॉपरली गाइड करेगी। तो ये है बेसिक ईएनटी इंडोस्कोप, तो इसको भी चलाकर हम दिखाएंगे। इसमें भी सेम वही फंक्शन है, कनेक्टिविटी इशू वही है। अगर ये कैमरा आपके फोन में कनेक्ट नहीं होता है, फोन में चलता नहीं है, तो उसके लिए आप इसे लैपटॉप और पीसी में भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती कनेक्टिविटी में। तो चलिए आपको मैं फोन में कनेक्ट करके दिखाता हूँ। ये है फोन, और फोन में ये सी टाइप लगाकर हमने कनेक्ट किया है कैमरा, और ये एप्लीकेशन मांग रहा है। ये ऑन करने के बाद सामने से इसका कैप रिमूव करेंगे। कैप रिमूव करने के बाद ये देखिए, ये बिल्कुल नजदीक जाने पे ये जो प्रिंट है, प्रिंट के भी रेशो साफ दिखाई दे रहे हैं। पर इसको अगर ज्यादा दूर लेके जाएंगे तो ये क्लियर पिक्चर नहीं दिखाएगा। और ये देखिए, जैसे ही मैं नजदीक लेके जाता हूँ ये साफ क्लियर हो जाता है, जैसे ही मैं दूर लेके जाऊंगा तो ये पिक्चर ब्लर हो जाएगा। और अगर मैं इसे साथ पास में लेके जाता हूँ तो ये देखिए, ये शार्प दिख सकता है आपको। तो यही बेसिक डिजिटल कैमरा में और इंडोस्कोप कैमरा में यही बेसिक फर्क होता है। डिजिटल कैमरा में आप नॉर्मल ऑटो फोकस होता है, आप बाहर जो भी चीज नॉर्मली देख सकते हैं, बट इंडोस्कोप कैमरा में सिर्फ नजदीक की चीजें ही आपको क्लियर दिखाई देंगी। तो इसके लिए आप इसे यूज कर सकते हैं ईयर में, नोज में और टीथ की इंस्पेक्शन करने के लिए। तो ये देखिएगा, मैं आपको अभी अपने फिंगर प्रिंट जो है उस पर फोकस करके दिखाऊंगा। ये देखिए, मेरे फिंगर प्रिंट्स आप साफ क्लियरली देख पा रहे हैं, और इसको जैसे ही मैं दूर करता हूं तो ये ब्लर हो जाता है, और जैसे ही इसको नजदीक लेके आएंगे ये शार्प पिक्चर आपको देगा। और इसमें रेजोल्यूशन जो आता है वो HD रेजोल्यूशन आता है। HD रेजोल्यूशन आपको PC में मिलेगा। अगर आप मोबाइल में कनेक्ट करेंगे तो मोबाइल में आपको VGA रेजोल्यूशन रहता है। ये हल्की रेंज में बेसिक एंडोस्कोप है। ये 1 मीटर वायर के साथ में कैमरा है। इसमें सी टाइप अवेलेबल है और ये अटैचमेंट साथ में है। बाकी इसमें दूसरी क्वालिटी आती है वो मैं आपको अभी चेक करवाता हूँ, दूसरी क्वालिटी में क्या डिफरेंस है। इसी ENT इंडोस्कोप में अलग वैरायटी आती है, ये है हैवी वैरायटी में। ये देखिए, ये है हैवी वैरायटी में इंडोस्कोप। इसकी लेंथ, वायर लेंथ होगी 2 मीटर, और इसके अंदर ये आपको अटैचमेंट दिया रहेगा जिससे आप LED लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें LED लाइट कंट्रोलर नहीं होता है, और सेम फंक्शनिंग है। तो इसको आप लैपटॉप PC में या मोबाइल में यूज कर सकते हैं। मोबाइल में अगर आपके काम नहीं करता है तो आप इसे लैपटॉप और PC में यूज कर सकते हैं। तो इसे आइए आपको चलाकर दिखाता हूँ। ये हमने किया कनेक्ट फोन के अंदर जी, और ये कनेक्ट करने के बाद ये हमारा इंडोस्कोप कैमरा
स्टार्ट हो गया है। तो इसमें एलईडी लाइट कंट्रोलर है, एलईडी लाइट कंट्रोलर आपको दिखा दूं, तो ये ऐसे बंद कर सकते हैं एलईडी लाइट को, या जैसी रिक्वायरमेंट है वैसी हम एलईडी लाइट रख सकते हैं। तो इससे आपको सेम वही फोकस पॉइंट वही रहेगा कि आपको नजदीक जाने पे चीजें क्लियर दिखाई देंगी, अगर आप इसको दूर करते हैं तो ये ब्लर होता जाएगा, और इसमें हम नजदीक जाएंगे तो ये नजदीक से हम क्लियर देख पाएंगे। तो एक फोकस मेंटेन करके देखना पड़ता है कि ये देखिए, जैसे फिंगरप्रिंट को मैं दिखा रहा हूँ तो ये नजदीक है तो साफ फिंगरप्रिंट दिखाई दे रहा है, बिल्कुल शार्प, और इसको दूर लेके जाएंगे तो ये ब्लर हो जाएगा, क्योंकि इनका जो फोकस पॉइंट है वो फिक्स रहता है, 1 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर तक ये शार्प दिखाई देता है, उसके बाद में ब्लर हो जाता है। तो ये है इंडोस्कोप, ENT इंडोस्कोप कैमरा, जो कि डॉक्टर्स भी यूज करते हैं और बेसिकली आप भी अपने पर्सनल यूज के लिए भी इसे मंगवा सकते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा गैजेट है, अच्छी चीज है जो हमें अपने पास जरूर रखनी चाहिए। और अलग अलग टाइप के इंडोस्कोप के बारे में जानने के लिए आप जुड़े रहिएगा हमारे YouTube चैनल के साथ, और नेक्स्ट वीडियो में आपको एक नया और बेहतरीन इंडोस्कोप कैमरा के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। और ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर जाए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।